नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव की अधिसूचना अगस्त तक हो सकती है जारी। राजधानी पटना में बालू का नया रेट लिस्ट हुआ जारी। बिहार में कोचिंग खोलने पर होगा विचार विमर्श। बाढ़ का कहर बरपाने वाली कई नदियां आई खतरे के निशान से नीचे। अब बिजली के स्मार्ट मीटर को घर से बाहर किया जाएगा सेट। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। सूबे में अगले 3-4 दिनों तक गर्मी का सितम रहेगा जारी। मौसम विभाग पटना ने संभावना जताई है कि बिहार में अगले 3-4 दिनों तक बारिश कम होने और उमस व गर्मी के बढ़ने के आसार है। फिलहाल कोई भी मानसूनी सिस्टम सक्रिय नहीं है, राज्य से होकर कोई ट्रफ लाइन नहीं गुजर रही है। इसके अलावा कम दबाव की सक्रियता भी नहीं दिख रही है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव का क्षेत्र कमजोर होने लगा है। इसके प्रभाव से 3-4 दिनों तक गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि अगले 5 दिनों तक राज्य में कहीं कहीं आंशिक रूप से बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 से 28 जुलाई के बीच नेपाल से सटे जिलों में भारी बारिश के साथ ही वज्रपात होने की संभावना बताई गई है। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में बिहार की बढ़ गई ताकत। बिहार में गांव शहरों में बिजली की व्यवस्था पहले से ज्यादा सुदृढ़ बनने वाली है, क्योंकि आज से NTPC की नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी के थर्मल पावर स्टेशन की दूसरी यूनिट में बिजली उत्पादन आज से शुरू हो रहा है। इसकी क्षमता 660 मेगावाट है और बिहार में इसके जरिए 559 मेगावाट बिजली मिलेगी। बताते कि इस यूनिट पर NTPC का पूर्ण स्वामित्व है और केंद्र सरकार की परियोजना है, जहां कोयला आधारित बिजली उत्पादन का प्लांट बनाया गया है। केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट से बनने वाली 84.8% बिजली को बिहार के लिए आवंटित किया है। बाकी बचे बिजली को उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम को दिया जाएगा। बताते चले कि नवीनगर में इससे पहले से एक और प्लांट से भी बिजली का उत्पादन हो रहा था, जिसे बिहार को 559 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जा रही थी। ऐसे में राज्य के गांव-गांव तक निर्बाध रूप से बिजली पहुंच सकेगी। बिहार में कोचिंग खोलने पर होगा विचार विमर्श। राज्य के कोचिंग संचालकों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है। अनलॉक 5 में कोचिंग को खोलने की छूट मिलने वाली है। इसके लिए 6 अगस्त को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में माध्यमिक स्कूलों के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग को कुछ शर्तों के साथ खोलने का आदेश दिया जा सकता है। इस बारे में बताते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि फिलहाल तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए फुल स्ट्रेंथ के साथ शिक्षण संस्थानों में क्लास का संचालन नहीं किया जाएगा, क्योंकि शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य भी बेहद जरूरी है। आपको बताते चले कि हाल ही में गृह विभाग ने प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित करने का आदेश दिया है। ऐसे में जो छात्र कोचिंग संस्थान की मदद से तैयारी करते हैं, उन्हें समस्या आ सकती है। लिहाजा राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले कोचिंग को खोलने की बात उठने लगी है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना अगस्त तक हो सकती है जारी। पंचायत चुनाव को लेकर करीब 1.5 लाख ईवीएम पहुंच गए हैं और उनके फर्स्ट लेवल चेकिंग का भी काम चल रहा है। इस प्रक्रिया में ईवीएम की तकनीकी जांच की जा रही है, जिससे कि गड़बड़ी पाए जाने पर उसे ठीक करवा लिया जाएगा, जिसके बाद ईवीएम मशीनें वोटिंग प्रक्रिया के लिए रेडी हो जाएगी। ऐसे में अब पूरी संभावना बन गई है कि अगस्त महीने तक ही पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी। इससे ज्यादा समय लगने की संभावना नहीं है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग चुनावी अधिसूचना को जारी करने के लिए प्रस्ताव बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत इस प्रस्ताव को पंचायती राज विभाग की ओर से कैबिनेट में स्वीकृति के लिए पेश किया जाएगा, जिसके बाद चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। आगामी मानसून सत्र को लेकर विजय सिन्हा ने दिए निर्देश। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होने वाला है। इस सत्र को सुचारू रूप से और सफलतापूर्वक चलाए जाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें वरीय अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान अध्यक्ष विजय सिन्हा ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव को कई दिशा निर्देश दिए, साथ ही आगामी सत्र में सभी प्रश्नों के शत प्रतिशत उत्तर प्राप्त होने की बात कही। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि 172 विधायकों और 21 मंत्रियों ने टीका ले लिया है, जबकि 22 सदस्यों ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अभी तक वैक्सीन नहीं ली है, जबकि 25 विधायकों के बारे में कोई सूचना ही नहीं मिली है, जिसके लिए संबंधित DM से रिपोर्ट मांगी गई है। बताते चले कि मानसून सत्र में शामिल होने वाले सभी विधायकों और अन्य कर्मियों को वैक्सीन लगवाने को अनिवार्य किया गया है। बाढ़ का कहर बरपाने वाली कई नदियां आई खतरे के निशान से नीचे। बिहार में अपने अथाह जल से बाढ़ लाने वाली नदियों में पानी का स्तर कमा है और खतरे के निशान से तेजी से नीचे उतर रहा है। हालांकि कई इलाकों में गुरुवार को 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो कई दूसरे क्षेत्रों में वही नदियां लाल निशान से नीचे बह रही है। बीते 24 घंटे में बारिश नहीं होने की वजह से ऐसा हुआ है। वहीं नेपाल में भी वर्षा नहीं होने से कोसी और गंडक नदी के डिस्चार्ज में कमी आई है। कोसी नदी सभी जगहों पर लाल निशान से नीचे है, लेकिन खगड़िया में अब भी 119 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं गंडक नदी भी गोपालगंज को छोड़कर सभी जगह सीमा में ही बह रही है। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर लाल निशान से 61 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं बागमती नदी
बागमती सीतामढ़ी में फिर से सीमा में आ गई है। बागमती अब भी समस्तीपुर में 125 और रोसड़ा में 226 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर की ओर बह रही है। हालांकि खगड़िया में यह खतरे के निशान को छू रही है। अब बिजली के स्मार्ट मीटर को घर से बाहर किया जाएगा सेट। बिहार में बिजली के स्मार्ट मीटर को लगाने की प्रक्रिया जारी है। इस बीच कई उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर से शिकायत है कि उनका बैलेंस बिना बिजली इस्तेमाल किए ही कट जाता है। ऐसे शिकायतों को दूर करने के लिए बिजली कंपनी ने नया फैसला लिया है। इसके तहत अब कंपनियों की तरफ से स्मार्ट मीटर को घर के बाहर लगाया जाएगा। इन्हें अंदर सेट करने की वजह से कई बार नेटवर्क की समस्या होती थी, जिससे रिचार्ज के बाद भी बिजली देर से आती थी। ऐसे में बाहर में अच्छा नेटवर्क पकड़ने के कारण यह समस्या दूर हो सकती है। इसे लेकर सभी मीटर एजेंसियों को गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। इसके अलावे अब स्मार्ट मीटर में BSNL सिम के साथ ही जियो का भी सिम लगाया जा रहा है, जिससे नेटवर्क के लिए दो विकल्प मिल जाएंगे। बिजली कंपनी के मुताबिक अगले साल तक पटना में सभी जगह ये नए स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। चिराग पासवान ने IMA प्रेसिडेंट से की मुलाकात। लोजपा सांसद चिराग पासवान की IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद से मुलाकात होने की खबर है। यह मुलाकात बंद कमरों में घंटों तक चली, हालांकि बातचीत के बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है। आपको बताते चले कि IMA प्रेसिडेंट डॉक्टर सहजानंद स्वर्गीय रामविलास पासवान और उनके परिवार के करीबी माने जाते हैं। उनका रिश्ता चिराग के चाचा पशुपति पारस के साथ भी बेहतर है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस मुलाकात के जरिए चाचा भतीजे के बीच के विवाद को दूर करने की कोशिश की जा रही है। बताते चले कि बीते दिन चिराग पासवान पटना पहुंचते ही डॉक्टर के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। वही खबर यह भी है कि देर रात BJP के पूर्व विधान पार्षद टुन्ना जी पांडे चिराग के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। इन घटनाक्रमों को लेकर सियासी गलियारों में कई अनुमान लग रहे हैं। राजधानी पटना में बालू का नया रेट लिस्ट हुआ जारी। हाल ही में खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा राज्य के कई जिलों में बालू के रेट को तय किया गया, जिसे लेकर राजधानी पटना में बालू की नई कीमत को निर्धारित कर दिया गया है। बालू के दाम अब 4,027 रुपए प्रति 100 घन फीट की दर पर तय हुए हैं। वहीं प्रति 100 घन फीट बालू पर 300 रुपए लोडिंग चार्ज और 5% लाइसेंस धारियों को कमीशन तय किया गया है। प्रति 100 घन फीट बालू पर 201 रुपए कमीशन देना होगा, यानी कि कुल मिलाकर 100 घन फीट बालू आपको 4,528 रुपए में मिल जाएंगे। जिला प्रशासन ने साथ ही एक लिस्ट को भी जारी किया है, जिसके मुताबिक बालू के बिक्री की जगह को भी तय किया गया है। लिस्ट के अनुसार पटना जिले में 31 जगहों पर बालू की बिक्री करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए 13 क्लस्टर भी बनाए गए हैं। इन्हीं जगहों पर बालू का भंडारण किया जाएगा। इसके अलावे किसी अन्य जगह पर रेत की बिक्री करने पर उसे अवैध मानकर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री और राज्य मंत्री के खिलाफ बिहार में परिवाद हुआ दायर। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया व स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण के खिलाफ बीते दिन गुरुवार को मुजफ्फरपुर के CJM कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया है। यह परिवाद एक सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने दाखिल किया है। दरअसल 20 जुलाई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और राज्य मंत्री का एक बयान आया था, जिसमें कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं होने की बात कही गई थी। इसी बयान को आधार बनाकर परिवाद दाखिल हुआ है। परिवाद दाखिल करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री का बयान गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि उनके गांव सहित देश के विभिन्न हिस्सों में हजारों लोगों ने वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाई है। फिलहाल CJM ने इसे सुनवाई पर रखा है और 28 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। जातीय जनगणना को अपनी अपनी मांग बताने की होड़ में है राजद और जदयू। जाति धर्म की राजनीति करना राजनेताओं की कभी न खत्म होने वाला मुद्दा बना रहा है और बिहार में इन दिनों जनगणना को जातिगत कराने का मसला जोर पकड़ रहा है, जिस पर राजद और जदयू दोनों ही उलझ पड़े। दरअसल तेजस्वी यादव ने जनगणना में जाति का कॉलम नहीं दिए जाने पर केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाया था, जिस पर जदयू भी समर्थन कर रही है मगर इसे अपनी मांग बता रही है। इस बाबत जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह ने बयान में कहा कि जाति जनगणना जदयू की पुरानी मांग रही है, इससे पीछे हटने का सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि सबसे पहले CM नीतीश कुमार ने ही पहल करके विधानमंडल से जातीय जनगणना को लेकर प्रस्ताव को पारित किया था। साथ ही उन्होंने तेजस्वी पर आरोप लगाए हैं कि वे गलतफहमी के शिकार हैं। सामाजिक न्याय और विकास के मामले में तेजस्वी नीतीश कुमार की बराबरी नहीं कर सकते हैं। फूलन देवी की मूर्ति लगाने के मुकेश सहनी के प्लान पर योगी सरकार ने फेरा पानी। आगामी UP चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए विकासशील इंसान पार्टी और अध्यक्ष मुकेश सहनी ने फूलन देवी का सहारा लेने का प्लान बनाया है और 25 जुलाई को फूलन देवी की पुण्यतिथि पर UP के अलग अलग जिलों में उनकी मूर्ति को लगाने का ऐलान किया था, लेकिन अब उनके प्लान पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पानी फेर दिया है। दरअसल UP पुलिस ने एक्शन लेते हुए सहनी की तरफ से लगाई जाने वाली मूर्तियों को जब्त करना शुरू कर दिया है। वहीं UP पुलिस की कार्रवाई से VIP के नेता
नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए इसे दलित और पिछड़ों की आवाज को दबाने की कोशिश बताई है। साथ ही यूपी सरकार से इन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने का आग्रह भी किया गया है। आइए सुधीर कुमार के केस के मामले में मांझी ने आरजेडी पर लगाया आरोप। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पर पिछले दिनों पूर्व आईएएस सुधीर कुमार ने कई सबूतों का हवाला देते हुए एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। इस मामले में अब हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी उतर गए हैं और इसे मुख्यमंत्री को बदनाम करने की आरजेडी की एक साजिश करार दिया है। मांझी ने आरजेडी पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए एक ट्वीट में लिखा कि इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल राजनीतिक ड्रामा कर रही है। इससे पहले आईएएस सुधीर कुमार को जेल भिजवाने तक में वाहवाही डूल रहे थे, जबकि अब राजद उसी अधिकारी का इस्तेमाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले जब पुलिस सुधीर कुमार का आवेदन नहीं ले रहे थे, तब मांझी ने ही कहा था कि पुलिस को हर लोगों की शिकायत को दर्ज करना चाहिए, उसके बाद फिर शिकायत की जांच करनी चाहिए। राज्य के 14 जिलों में नहीं मिले एक भी संक्रमण के नए मामले। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर बैकफुट पर जारी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि बीते दिन के पिछले 24 घंटों के आंकड़े में राज्य के 38 जिलों में से 14 जिलों में एक भी नए संक्रमित की पहचान नहीं हुई है। ये जिले अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, किशनगंज, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, रोहतास, सहरसा, शिवहर और सीवान है। वहीं बिहार स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को जारी रिपोर्ट में बताया कि बुधवार से गुरुवार के बीच 155,148 टेस्ट किए गए, जिसमें 0.03% यानी कि मात्र 61 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान 54 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के एक्टिव केस घटकर 596 रह गए हैं। शोएब ने भारत पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप के फाइनल होने की करी भविष्यवाणी। क्रिकेट मैच अगर भारत और पाकिस्तान के बीच हो तो उसे देखने का मजा दोगुना नहीं चौगुना हो जाता है, क्योंकि यह भारत पाकिस्तान को एक साथ जोड़ने का एक बड़ा मंच है। आगामी T20 वर्ल्ड कप में भी दर्शकों को इन दोनों टीम के बीच मुकाबले देखने का इंतजार है। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने एक भविष्यवाणी कर दी कि इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। अख्तर का मानना है कि T20 वर्ल्ड कप के पहले एडिशन की तरह ही इस साल भी फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। आपको बताते चले कि शोएब जिस पहले एडिशन की बात कर रहे, वो साल 2007 में खेला गया था, जिसमें T20 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला इन दो टीमों के बीच ही हुआ था, जिसे भारत ने जीत लिया था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार अनलॉक 5 में सभी तरह के कोचिंग संस्थानों को खोलने की छूट दे देनी चाहिए या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।